सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्शन का सिंबल क्या होता है, एल, जो हमने ऊपर क्या बनाया, कैपिटल एल। हम इस कैपिटल एल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं इस कैपिटल एल, ये कैपिटल एल कहां से बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म छुपी हुई है। तो इसके लिए काम करना है, आपने एक सोलेनोइड कंसिडर करना है, एक लॉन्ग सोलेनोइड जिसका एल बहुत बड़ा है, आर, आर से एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो बी का फॉर्मूला, अगर करंट चेंजिंग है, याद रखना इसमें करंट आए चेंजिंग है, बताने की जरूरत नहीं है तो इस चैप्टर में। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इस सोलेनोइड के अंदर एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एक टर्न का एरिया, सोलेनोइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर आप एक टर्न का फ्लक्स बताएं, बी इंटू एरिया, बी क्या है, म्यू नॉट एन आई, ये एक टर्न का फ्लक्स है। और अगर टोटल पूरे सोलेनोइड का फ्लक्स निकालना है, इसको नंबर ऑफ टर्न से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो पूरे सोलेनोइड का फ्लक्स आएगा। तो एक टर्न का इतना फ्लक्स है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये एक टर्न का फ्लक्स है, इसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई किया, टोटल फ्लक्स आ गया। लेकिन अभी अभी मैंने बताया टोटल फ्लक्स तो ऐसे भी निकल सकते हैं, फाइव इक्वल टू एल आई। तो एक बार फ्लक्स हमने बी इंटू एरिया से निकाल लिया, एक बार फाइव इक्वल टू एल आई से निकाल लिया, तुम इन दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके आई से आई कैंसल, एल का फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, ये डेरिवेशन है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल। तो कैपिटल एल का जो फॉर्मूला है वो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, क्लियर है यहां तक, तो ये वैल्यू आएगी। और स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो तुम इस स्मॉल एन की जगह यहां पुट कर सकते हो कैपिटल एन बाय एल, स्क्वेयरिंग करो, सॉल्व करो आंसर, दोनों फॉर्मूला नोट करो, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आते हैं, दोनों न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो कैपिटल एल की डेरिवेशन क्लियर है, तो कैपिटल एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर कभी कभी एक न्यूमेरिकल आता है, एक सोलेनोइड एयर कोर सोलेनोइड नहीं है, एयर कोर का मतलब अंदर हवा या वैक्यूम नहीं है, तो अंदर क्या है, अंदर इसमें सॉफ्ट आयरन कोर है। तो तुम ऐसे क्वेश्चन में म्यू आर गिवन होगा, म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, तो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूले में जहां जहां म्यू नॉट है वहां वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा म्यू आर के साथ। वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है म्यू आर लेना कि लेना, अगर लेना है तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों में म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, एल का फॉर्मूला हो जाएगा डराइव, और मीडियम अगर चेंज करेंगे तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे।